क्या होना चाहिए उसके प्रति प्रतिपक्ष गंभीर नहीं। नीचे ये सदन चर्चा संवाद के लिए आपको जनता ने पोस्टर लेके देने के लिए नहीं भेजा है, मैं चर्चा कराने के लिए तैयार हूं। पहले प्रश्नकाल होगा, प्रश्नकाल के बाद चर्चा होगी। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण है। चर्चा करना चाहते हैं, चर्चा नहीं करना चाहते, आपके नेता ने कहा चर्चा के लिए, सरकार ने कहा चर्चा को तैयार है। नो, नारेबाजी से कोई समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। आप जिनके साथ न्याय करना चाहते हैं चर्चा करें, संवाद करें, अच्छे सुझाव दें, सरकार उन सुझावों के आधार पर काम करेगी। सारा सदन सामूहिकता के साथ मिलकर चर्चा और संवाद से जो समस्या का समाधान होगा सरकार उस पर लागू करेगी। प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 41 श्री सुबोध पाठक। 41 क्या पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्या केंद्र और राज्य सरकारों की परियोजनाएं पर्यावरणीय स्वीकृति के अभाव में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पास लंबित हैं? यदि हाँ तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है? उत्तर प्रदेश और बिहार की उन योजनाओं परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो मंत्रालय के विचाराधीन है और कहा इनकी वर्तमान स्थिति क्या है और मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है? धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर के 153 परियोजनाएं लंबित हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में जो माननीय सदस्य ने पूछा है उसका भी उत्तर इस विस्तार के साथ लिखित में दिया गया है। पर्यावरण की दृष्टि से हमारे कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में कई बड़ी बड़ी झीलें हैं, जिसमें कि विशेष रसूलाबाद तहसील में इटैली और कन्नौज में जो हमारी लाख पक्षी विहार भी है वहाँ के ऊपर पर्यावरण की दृष्टि से इनको सुचारू रूप से इनका उद्धार किया जाए और वहाँ के ऊपर जो तमाम जमीनों पर भी कब्जा हुआ है उसको भी मुक्त कराया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न अभी माननीय सदस्य महोदय ने पूछा है वो एनवायरनमेंट क्लियरेंस से रिलेटेड नहीं है, वो झीलों से रिलेटेड है, लेकिन अगर वो मेरे संज्ञान में विषय लाएंगे तो निश्चित रूप से उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। श्री खगेन मोर्ग सर, ये सरकार ने राज्य और संघ सरकारों द्वारा प्रस्तावित 153 प्रस्ताव में से कितने प्रस्ताव स्वीकार किए तथा क्या कार्रवाई की गई है और देश में पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले फैक्ट्रियों और कंपनियों पर क्या कोई कठोर कार्रवाई की गई? यदि हाँ तो ब्यौरा क्या है? धन्यवाद सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ब्यौरा माननीय सदस्य ने पूछा है वो लिखित में एनेक्सर वन के रूप में लगाया गया, जिसमें राज्य अनुसार कुल 153 परियोजनाएं इस समय हमारे मंत्रालय में लंबित हैं, वो पूरी तरीके से यहाँ पर रखी गई। प्रश्न संख्या 42 श्री गुमान सिंह डामोर। प्रश्न संख्या 42 प्रश्न संख्या 42 जनजाति मंत्री जी उत्तर सभा।
पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य को उत्तर दे दिया। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से जनजाति मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत अच्छा जवाब दिया है और उसमें मैंने जो पूछी थी सब बातें इसमें सम्मिलित है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जनजाति क्षेत्रों में निजी संस्थाएं धर्मांतरण का काम करती है और जनजाति संस्कृति को नष्ट करती है, तो क्या सरकार तो प्रयास कर ही रही है परंतु इस क्षेत्र में निजी संस्थाओं का सहयोग लेकर के धर्मांतरण को रोका जा सकता है, जनजाति संस्कृति।